माँ के हाथ का खाना बिहारी खाना में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे गेहूं के आटा से सेवई। आटा का सेवई बनाने के लिए हम 100 ग्राम आटा ले लिए हैं, गेहूं का आटा। इसमें हम 2 चम्मच घी रख देते हैं। अब हाथ से हम आटा में अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। अब पानी रख करके आटा को हम अच्छी तरह से गूथ लेंगे, थोड़ा टाइट ही गूथेंगे। अब आटा का हम गोली बना करके हथेली पर आटा लगा करके इसको लंबा बना लिए हैं। अब हम धीरे धीरे सेवई बनाएंगे। जब हाथ में चपकने लगे तो थोड़ा सा आटा लगा करके फिर बनाएंगे। ऐसे ही करके हम सब बना लेंगे और आटा में ही रखेंगे ताकि एक दूसरा में चिपके नहीं, अलग अलग करके रखेंगे। थोड़ा सा आटा हम रख लिए हैं और थोड़ा सा हम सेवई बना लिए हैं रहे। अब उसको धूप में सुखा लेंगे। अगर धूप नहीं रहेगा तो हम पंखा के हवा में भी सुखा लेते हैं। बनाने में थोड़ा मेहनत लगता है, थोड़ा लेट लगता है, लेकिन सेवई का खीर बना करके खाने में बहुत अच्छा लगता है। 1 घंटा हम धूप में सुखा लिए हैं। कढ़ाई चढ़ा करके हम घी इसमें रख देते हैं। आप भी घर में ही सेवई बनाइए। सेवई सूख गया है, अब हम इसको भून लेते हैं। मीडियम ताव में ही हम भूजेंगे। पहले गांव में सेवई नहीं मिलता था तो इसी तरह से आटे से सेवई बना करके लोग सेवई बना करके खाते थे, और कोई मेहमान भी आता था तो उनको भी खिलाती थी। गोल्डन कलर का हो जाएगा तब हम इसको निकाल लेंगे। अब हम दूध में रख देते हैं। सब सेवई हम दूध में रख करके अब कढ़ाई में घी रख करके हम काजू और बादाम जो काट के रखे हैं उसको भूज ले, कलर चेंज होने तक हम भूज लेते हैं। सेवई में रख करके इसको हम मिला देंगे। जिस तरह से सेवई हम बनाते हैं उसी तरह से बनाएंगे, थोड़ा और पकेगा। पंद्रह मिनट हम पका लिए हैं। अब हम चीनी रख देते हैं। चीनी रख करके हम मिला लेंगे। अब किशमिश रख देते हैं, इलायची पाउडर भी रख देते हैं। अब मिला देते हैं। खीर बन गया है। अब हम चूल्हा बंद कर देते हैं।
खीर बहुत अच्छा बना है, आप भी बनाइए, बना करके खाइए, अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।